हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी और डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। डेली हम क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करते हैं। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखते हैं। 14 अगस्त आज हो चुकी है, कल इंडिपेंडेंस डे है और वैसे आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम पर आपको मैक्सिमम मेहनत करनी है। ये जो टाइम है ये ऐसा टाइम है, आपको हर चीज़ डीप में एनालिसिस करना है, डीप में पढ़ना है, स्टैटिक क्वेश्चन को पूरा एकदम अच्छे से याद करना है। और ये जो करंट अफेयर के जो सेक्शन है, जो ये क्वेश्चंस वगैरह है, जो एडिटोरियल्स वगैरह है, इनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है क्योंकि ये डेली ऐड हो रहा है। 60% ऑफ चल रहा है कोर्सेज के ऊपर और ये रहेगा 16 तारीख तक। ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो और पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सारा और ये नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। PDF आपको यहाँ मिल जाएगा इस फेसबुक ग्रुप के ऊपर, यहीं पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप जो फॉलो कर सकते हो और ये है लिंक। क्वेश्चन है NPPA। देखिए, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। फार्मास्यूटिकल का जो इशू आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं आता है। फार्मेसी जो है वो ड्रग्स के ऊपर बेस्ड होती है सारी और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है उस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है। लेकिन ये सही है कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ऑर्डर जो है DPCO, उसको ये इंप्लीमेंट करता है और मेडिसिन प्राइसेस को उसी अकॉर्डेंस में और रेगुलेट भी करता है। एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट भी निकालता है हेल्थ मिनिस्ट्री वैसे, और वैसे जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी है तो उसके अंडर भी कुछ पावर मिलती है। तो NPPA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं काम करता है, लेकिन पहला सही है। इसका आंसर होगा ओनली वन, क्योंकि पहला आंसर सही होगा। ऐसी एक सिमिलर सी बॉडी जिसका नाम है BPPI, जो है ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल PSUs ऑफ इंडिया। ये एक नोडल एजेंसी है, ठीक है, ये नोडल एजेंसी है और PSUs जो होते हैं फार्मेसी के एरिया के अंडर, उन सबका एक कंसोर्शियम है। और ये जो जेनेरिक मेडिसिन के रिगार्डिंग जो स्कीम चलती है उनके अंदर ये नोडल एजेंसी है BPPI, लेकिन SSI नाम है NPPA। लेकिन ये आपको याद रखना है, NPPA जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर काम करता है। तो ओनली वन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टबल बर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और दिल्ली जैसे एरिया के अंदर सर्दियों में बिल्कुल 3-4 दिन तक सब कुछ चौक हो जाता है और पोल्यूशन के लेवल को बहुत ज़्यादा एकदम से शॉर्ट अप कर देता है ये। तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, लंग कैंसर तक हो सकता है, COPD हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा होती है, PM 2.5, PM 10 ये सब होते हैं। तो स्टबल बर्निंग जो है उसका मैनेजमेंट, अभी उसकी कोशिश हर साल होती है और हर बार सर्दियों में ये बड़ा इशू बन जाता है क्योंकि पंजाब के UP के एरियाज में जो है स्टबल बर्निंग होती है और वो सारी हवा जो है वो इधर आ जाती है और दिल्ली के सिटी को चौक कर देती है। तो ये इशू दिल्ली के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसके ऊपर बहुत बात होती है। 2016 में ये बहुत पीक लेवल पे था। अभी कौन से टेक्निक इसमें यूज़ कर सकते हैं हम? कंटूर बर्निंग, देखिए कंटूर बर्निंग जो होता है वो अलग होता है, उसमें मेड़ लगाते हैं खेत पे, तो उससे इसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जीरो टिलेज फार्मिंग ये होती है, या फिर इसको नो टिलेज फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें यह होता है कि पहले जो फसल उगाई है उसको काटा जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन उसको पूरा तरीके से हटाया नहीं जाता है और खेत को दोबारा से उसको हटाकर जोता नहीं जाता है। तो उससे बहुत पैसा भी बचता है, बहुत कुछ बचता है, और उससे पानी जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होता है जमीन के अंदर, वो भी बचा हुआ रहता है। तो जीरो टिलेज फार्मिंग ये होती है। और हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी, ये भी ऐसा ही टेक्नोलॉजी जो कि ट्रैक्टर के ऊपर माउंट होता है। ये हैप्पी सीडर नाम का एक जो एक मशीन होती है, वो जैसे मान लीजिए उससे पहले राइस का फसल उगाया गया है, तो ये उसके जो बचे हुए रेजिड्यूज हैं उसको थोड़ा सा उखाड़ कर उसमें गेहूं के जो सीड्स हैं उसको डाल देगा, बीजों को डाल देगा, और फिर उससे क्या होता है, ना तो वो पहले वाला हटाना पड़ा, नहीं टिलेज करना पड़ा, और मॉइस्चर भी मेंटेन रहा, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन भी रहा। कैसे? देखिए, कार्बन का जो सिक्वेस्ट्रेशन करने का जो इशू है वो ये होता है कि भाई जितना पेड़ पौधे लगे रहेंगे, इसका मतलब कार्बन फिक्स हुआ हुआ है। पेड़ पौधे जब ग्रो करते हैं इसका मतलब एटमोसफेयर की कार्बन को ही वो यूज करते हैं, उसी से पेड़ बनता है, ठीक है। H2O प्लस CO2 होता है ना, आपको पता ही है, पानी और CO2, और इनके 6-6 मॉलिक्यूल्स आते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ये सब कुछ, क्लोरोफिल में होता है। तो ये CO2 यूज हुई जिससे ग्लूकोज बना, जिससे स्टार्च बना, तो इसी CO2 को फिक्स कर लिया गया है केमिकल फॉर्म के अंदर, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका मतलब उसको सिक्वेस्टर किया गया है। इसका मतलब अगर जितना वहां पर प्लांट बचा रहेगा और वो सिक्वेस्टर रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका, और वो मॉइस्चर को भी रिटेन करता है, बहुत सारे जो है वीड वगैरह को भी सप्रेस करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। और अगर उसको जलाएंगे हम, जैसे जलाते हैं ना, वो पार्ली जलाना बोलते हैं, फिर स्टबल बर्निंग करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये CO2 फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, फ्री हो जाएगी जलाने के टाइम पर, तो वो उससे भी ये बचता है। तो ये दोनों चीज BOC दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए इसमें 2 और 3 लिखा हुआ है, BNC होगा एक्चुअली, तो इसका आंसर होगा D, बोथ 2 और 3 दोनों इसमें यूज हो सकती हैं।
स्टबल बर्निंग के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में पढ़ना है, हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसके वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। और जीरो टिलेज फार्मिंग तो बहुत बार यूज होता है, जिसमें पहले वाली का पूरा नहीं काटते हैं, उसको हटाते नहीं है ना, उसको बर्न करते हैं और उसी छोटे छोटे जो रेजिड्यूज रह जाते हैं उसी के ऊपर ही नई फसल उगा देते हैं। तो ऐसा होता है, तो कई बार फसलें जब चेंज होती हैं तो पहले वाली फसल के रेजिड्यूज दूसरी वाली को सेव करते हैं, एक तरह से वीट भी नहीं उगने देते, मॉइस्चर भी रिटेन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरीका है, डी इसका आंसर होगा। तीसरा, ऐश्वर्या पिसे, ऐश्वर्या पिसे का भी न्यूज आया था, किससे रिलेटेड है ये? नोवल राइटिंग नहीं करती है, एक्टिंग भी नहीं करती है, टेनिस भी नहीं करती है, ये मोटर स्पोर्ट में इन्होंने खिताब जीता है, इंडिया की पहली खिताब जीतने वाली महिला है ऐश्वर्या पिसे, जो कि जो ये जो है फेडरेशन इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग, ये मोटर स्पोर्ट का एक इवेंट है, उसके अंदर इन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है। और ये आप देख रहे हो पीछे मोटरसाइकिल जो है ये, इसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है, बेंगलुरु की है ये और दुबई के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ था, और उसमें ये जो पुर्तगाल थर्ड पे था, स्पेन फिफ्थ पे है और फोर्थ हंगरी है, ठीक है। तो ये इन्होंने अभी इसमें FIM में और वर्ल्ड मेडल जीता है, पहले नंबर पे आई हैं, सेकंड नंबर पे पुर्तगाल की हैं रीता, और उसके बाद में हंगरी की आती हैं, लेकिन ये पहली है ऐश्वर्या पिसे, इसको आपको याद रखना है, ये बड़ा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, पहली बार इसमें मेडल हमने जीता है। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया का रसल खैर और UAE का तवीला प्लांट, ये किस चीज से रिलेटेड प्लांट्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, फ्यूचरिस्टिक है, और इसकी बात हुई है अभी, जो इशू तमिलनाडु के आज न्यूज़पेपर में आया कि उसका कैसे बैलेंस करें सिटी को, इश्यूज क्या है, पानी का बहुत बड़ा इशू है, तो ये किसके रिलेटेड ये प्लांट्स हैं? कॉपर माइनिंग, क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन, देखिए इस एरिया में क्रूड ऑयल निकलता है आपको पता ही है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात दुनिया में बहुत चलती है, लेकिन ये प्लांट्स है इनके रिगार्डिंग नहीं है, ये प्लांट है डीसेलिनेशन के रिगार्डिंग, जो समुद्र का पानी है खारा पानी उसको साफ करके पीने का पानी बनाने का, ये प्लांट है डीसेलिनेशन का प्लांट, सबसे फ्यूचरिस्टिक इशू है, दुनिया के पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचा है, पीने का पानी खत्म हो गया है, चेन्नई सिटी में पूरा एंड हो गया है ग्राउंड वाटर जो है, ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है, चिंताजनक क्या मतलब, ये तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ऐसे तो हमारा, तो ये हमारे पास और कोई तरीका बचा नहीं है, सऊदी अरेबिया में पूरे उसके कॉस्ट के ऊपर, और ये प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ का, रसल खैर जो है सबसे बड़ा डीसेलिनेशन का जो प्लांट है, और ऐसा ही UAE में तवीला का है, इसका है 1000 मिलियन लीटर पर डे और उसका है 900 के आसपास, ये इनकी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है, तो ये एक मॉडल है दुनिया के अंदर, यहाँ से पावर भी क्रिएट होती है और वैसे भी ये पानी भी साफ होता है, तो ये सी इसका आंसर होगा, ये प्लांट है जो रसल खैर है सऊदी अरेबिया का। अब ये बड़ी रिच कंट्रीज हैं, ये लगा सकती हैं ऐसे प्लांट्स, तो इन्होंने लगाया है। नेक्स्ट, इंडिया के पुअर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बिल्कुल है, वो कितना है? WHO का स्टैंडर्ड तो बोलता है कि 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारा कितना है? 10,000 है, 8,000 है, 2,000 है या 1400 है? देखिए हमारा ऑफिशियल जो है वो बताते हैं कि 1456 है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उससे भी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, और कई कई जगह पर ये 10,000, 20,000 तक भी जाता है कि वहाँ पर 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है लगभग ये बताते हैं कि ये 1500 के आसपास है, तो 1456 इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। और ये इशू अभी न्यूज़ में भी आया है, और इसमें ये बताया गया है कि 57.3% जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो जो क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास में रिक्वायर्ड जो है नॉलेज नहीं है और लाइसेंस जो है वो नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू है, वो क्वालिफाइड भी नहीं है, और इसका मतलब बहुत सारे क्वैक्स जो हैं, जो फर्जी जो लोग हैं वो भी डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। तो सेक्शन 15 जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल्स एक्ट 1956 का, वो प्रोहिबिट करता है कि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, या तो नेशनल या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता मेडिसिन को, तो वो क्वालिफाइड नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पर। तो ये न्यूज़ में आया है, अभी जो नया जो बिल आया है जो इसको रिप्लेस करता है वो ये बोलता है कि बहुत सारे नॉन मेडिकल लोगों को भी और इसमें अलाउ किया जाएगा जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में वो प्रैक्टिस करेंगे, प्राइमरी हेल्थ को मैनेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रूरल डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है, जहाँ पर अर्बन एरिया में 3.8 डॉक्टर है वहाँ पर उसके एवज में रूरल एरिया में सिर्फ 1 डॉक्टर है, तो ये रेशियो है 3.8:1 का, ये रूरल ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में 1 डॉक्टर है, वहाँ पर अर्बन में लगभग 4 डॉक्टर है, चार डॉक्टर्स अर्बन एरियाज में होते हैं, लेकिन रूरल में सर्व करने को कोई राजी नहीं होता है, इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है, 27,000 डॉक्टर सिर्फ हैं 6.5 लाख गाँव के ऊपर इंडिया में, ये स्थिति है। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जजेस को सिलेक्ट करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, जजेस का सिलेक्शन का बड़ा अलग इंपॉर्टेंट इशू है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्चुअल में जो है वो लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बताती है, जुडिशियल डिसिप्लिन के को सेट करती है, यूनिवर्सिटीज़ जो लॉ कॉलेज एस्टैब्लिश करती हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये एस्टैब्लिश हुआ है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला गलत है, ये नहीं करता है, इसका अपॉइंट करने का काम जो है
वो स्टेट्स में गवर्नर अपॉइंट करता है, वो हाई कोर्ट वगैरह सब संभालते हैं उसको, तो इसका और उसके लिए एग्जाम्स भी होती हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, बी इसका आंसर होगा, और पहला इसमें गलत है। ये देखिए, अभी 3 साल का मॉरेटोरियम लग गया है लॉ कॉलेज ओपन करने के ऊपर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसको छोड़कर बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है लॉ कॉलेज अभी नहीं खोल सकती 3 साल तक। ये इन्होंने अभी किया है क्योंकि बहुत सारी जो है बिना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना कोई मतलब प्रॉपर क्वालिफिकेशन के और बिना कोई स्टैंडर्ड्स के ये ओपन हो गई हैं, तो इसके लिए अभी मॉरेटोरियम लगा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट इशू है, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है, एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जुडिशियल डिसिप्लिन वगैरह जो होता है, जो प्रॉपर तरीका होता है, उसके रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पूरे देश में इसको मैनेज करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आया था अभी, पीईटी बॉटल जो है, पॉलीएथिलीन टेराथिलेट जो बॉटल्स हैं होती हैं, जो प्लास्टिक की मेनली आप बोली जाती है, जो ड्रिंकिंग वाटर यूज होती है, उनके रिगार्डिंग इशू आया था कि उसमें कोई बहुत हानिकारक केमिकल जो है वो लीच होते हैं। लेकिन अभी जो सीएसआईआर की लैब है मैसूर के अंदर, उसने बताया कि ये जो है वो अलाउड लिमिट में ही है, ज़्यादा एक्सेस में नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है, दुकानों वगैरह पर रखी होती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है 50 से 60 डिग्री, तो उस टाइम पर ये लीच कर सकती हैं केमिकल्स। लेकिन उसमें बताया कि ये कंट्रोल्ड लिमिट में ही है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? बेरियम, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम। देखिए, इन सब के रिगार्डिंग अलग अलग बीमारियां होती हैं, आपको पता ही है, और ये सारे मिल सकते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑल इसका आंसर होगा, ये सारे मिल सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड लिमिट में होते हैं। ये सुन के बड़ा डरावना लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये होते हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड जो लिमिट तय की गई है उसी के अंडर ये होते हैं। उसके रिगार्डिंग न्यूज़ द हिंदू में कल आया था, सी ऑल इसका आंसर होगा। ये देखिए, ये सारा दे रखा है इसमें यहाँ पर, और पीईटी पॉलीएथिलीन टेराप्थेलेट, ये आपको पूछ सकते हैं, इससे ये बॉटल्स बनती हैं जो ड्रिंकिंग वाटर वाली होती हैं। और ये सारा सीएफटीआरआई का एनालिसिस था, जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीएफटीआरआई, जो सीएसआईआर की एक लैब है, मैसूर में है, और इसने ये टेस्टिंग की थी कि ये सारे जो हैं वो मिलते हैं, और ये बिलो डिटेक्शन लिमिट्स के अंडर ही हैं, जो कि कितनी है, 0.001 मिलीग्राम पर केजी। तो ये एक जो है राहत देने वाली बात है। अब ये ऐसा नहीं हो कि कोई मतलब कंपनियों ने इस चीज़ को ऐसा जानबूझकर ऐसा डेटा बताया हो, जबकि कुछ रिपोर्ट्स पहले बता रहे थे कि ये निकलता है और ये कैंसर कोजिंग हो सकते हैं, ये बहुत डेंजरस केमिकल्स हैं। ऐसा ही एक और इशू है, इसी से रिलेटेड है, बीपीए, बिस्फिनॉल ए, ये क्या नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है? देखिए, ये नेचुरली नहीं बनता, ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो पीईटी बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें इसका यूज होता है, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि इसको फेज आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका पता लगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर भी पैदा कर सकता है और हार्मोनल इंबैलेंस भी करता है ये, तो ये सिंथेटिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, 2 और 3 इसका आंसर होगा सी, और ये जो इसका आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट, ये जो आंसर है इसमें दिया हुआ है, देखिए ये बीपीए यहां पर है, इसमें जब इन्होंने टेस्ट किया तो ये पता लगा कि 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ता है इन बॉटल्स में, तो एथिलीन ग्लाइकोल, आइसोफेथेलेटिक एसिड और बीपीए ये भी मिलते हैं। बीपीए सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पीईटी बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इशू है ओरल कैंसर का, नहीं जो कैंसर के रिगार्डिंग है, एक न्यूज़ आई थी अभी कि इंडिया में जो आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है उसके अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो अलाउड नहीं था अभी, क्योंकि बहुत महंगा होता है, लेकिन अभी इसको अलाउ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग प्रोग्राम हमारे चल ही रहे हैं। ओरल कैंसर जो मोस्ट कॉमन कैंसर नहीं है, इंडिया में लंग कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है, और अभी जो है कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो कवर होगा इस पीएमजीएवाई योजना के अंदर। दोनों गलत हैं, डी नन इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही जो इशू ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान भारत योजना के अंदर अभी इसको कवर किया जाएगा, और लंग कैंसर जो है वो पहले नंबर पे आता है, ओरल कैंसर दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका आंसर होगा डी नन, एंड ये रहा जो इसका डिटेल है, ये देखिए डब्ल्यूएचओ का जो डेटा है, मोर्टैलिटी जो है कैंसर से बहुत हाई है इंडिया में, और इसमें इसको शामिल किया जाएगा। देखिए 75 ईयर्स से एज से पहले मेल्स में ज़्यादा होती है इसके अंदर इंसिडेंसेस होते हैं, और विमेन में कम होता है कंपेरेटिवली, और बाकी लंग कैंसर सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। नेक्स्ट, नॉर्थ सी कहाँ पर है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्थ सी जो है वो यूके और उसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो उधर वो कंट्री एक ही है, नॉर्वे, यूके फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, स्पेन और आयरलैंड के बीच में ये नहीं है, ये बे ऑफ बिस्के है वहाँ पर, ये देखिए ये वाला, यहाँ बे ऑफ बिस्के है और ये यूके है, ये नॉर्थ सी है और ये नॉर्वे है। तो ये आज का लेसन था, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कल मिलेंगे और इसी टाइम पर, थैंक्स।